मॉर्निंग जंक को कहाँ पुट गए? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें ते? कैसे बेवकूफों की वाली बातें करती हो तुम? पर मैंने तो गुड मॉर्निंग ही बोला है। वैसे जंकुक, आपने बोला था कि आप मुझे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, तो कब चलना है हमें? डॉक्टर? हाँ, आपने बोला था ना कि आप मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए आपने बोला था कि आप। देखता हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं इस बारे में सोचूंगा। क्या आप सोचोगे इस बारे में? आपको टाइम निकालना चाहिए ना। टे प्लीज, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। ऑलरेडी मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड खराब है और मैं काफ़ी थका हुआ भी हूँ, तो प्लीज़ साइड हटो। क्या हुआ जंकुक, इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो तुम तेरी बहू से? वो तुम्हारी वाइफ है। वाइफ है तो वाइफ बन के रहे ना, ज़्यादा सर पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा तो मुझे ये दे नहीं सकती, और इसे हक चाहिए अपनी वाइफ होने का। जंकुक, क्या बकवास कर रहे हो तुम तेरी बहू से? एनीवेज, मैं चलता हूँ वापस। क्या जंकुक, जंकुक मुझसे नफरत करता है? क्या मैं उसे अब अच्छी नहीं लगती? क्या वो मुझे अब प्यार नहीं करता? जब से पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, तब से वो मुझसे अजीब सा बिहेव करने लगा। इसका मतलब कि वो मुझसे नफरत करता है। बहू प्लीज ऐसा मत रहो। तुम तो जानती हो ना जंकुक के बिहेव को, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ते हाँ ते, जंकुक बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम प्लीज उसकी बातों का गुस्सा मत करो। ये भगवान, ये आरम इतने टाइम से मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा है, और कभी मुझसे मिलने भी नहीं आया, और कॉलेज में भी नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात होगी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अब तो इन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। ये आरम कब आएगा मेरे घर में, मेरे डैड से मेरा हाथ मांगने के लिए? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि तुम मुझसे बात करो, मॉम डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जंकुक बेटा, बोलो ना, क्या बात है? मॉम डैड, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। पर किससे बेटा? अंदर आ जाओ डार्लिंग। क्या? ये मेरी गर्लफ्रेंड सना, और इसी के साथ मैं एक हफ्ते के लिए बाहर वेकेशन के लिए गया था। वेल बेबी, ये घर अब आज से तुम्हारा भी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूँगा। ओह सच में कुकी, प्लीज़ तुम जल्दी से इसे डिवोर्स दे दो, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वेल, मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। जंकुक, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? कोई तमाशा नहीं चल रहा है मॉम डैड, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताना चाहता था, और मैं अब इस गवार के साथ नहीं रह सकता। आई एम सॉरी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी पत्नी है और तुम कह रहे हो कि तुम इस लड़की से शादी करने वाले हो? मॉम डैड, आप सबको तो पता है कि ते मुझे बच्चा नहीं दे सकती, और इसलिए मैं इसके साथ और रहना नहीं चाहता हूँ। और मैंने ये फैसला लिया है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, और मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। पागल हो चुके हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ये जंकुक को अचानक से क्या हो गया? ये इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? ते, आर यू ऑलराइट? तुम फिक्र मत करो, लगता है जंकुक तुमसे मजाक कर रहा है। हाँ दी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नहीं जेमिन, मैं किसी से कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जंकुक, पागल हो गए हो क्या तुम? ते तुम्हारी वाइफ है और तुम किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो? क्या दिमाग खराब हो चुका है भाई? प्लीज़, ये मेरी लाइफ है, और मैंने अपने लिए जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है, और मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती। सो प्लीज़, आप सब लोग मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद कीजिए। और दे तुम, बहुत जल्दी मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स दे दूँगा, उन पर साइन कर देना और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर देना। और वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम बस मेरे लिए थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्शन थी। मैं तुमसे मन भर चुका है, और इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज़। जंकुक, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी ते हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, आखिर क्या हुआ बताओ मुझे? अगर तुम मुझे किसी बात से नाराज हो तो तुम मुझे बता सकते हो। प्लीज़ ते, अब ये रोना धोना शुरू मत करो। मॉम डैड, मैं अपनी डार्लिंग के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। आखिर इस लड़के को हो क्या गया? ये पागल हो गया क्या? ये ते के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? मॉम डैड, आप चिंता मत कीजिए, जंकुक को तो मैं सीधा करता हूँ, और पता नहीं इससे अब क्या हो गया, अचानक से देखो तलाक देना चाहता है ये लड़का। पागल, आप कहाँ रह गए इतनी देर? रात के 11 बज चुके हैं। देखो, मुझसे सवाल जवाब करने की हिम्मत मत करो, पर मुझे बताइए आप कहाँ थे? मुझे आपकी इतनी चिंता हो रही थी।
तो मैंने बोला था तुम्हें कि मेरी चिंता करो, पर मैं आपकी वाइफ हूँ जंकुक। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था बाहर घूमने के लिए। और कुछ जंकुक, आपने ड्रिंक किया? हाँ मैंने किया ड्रिंक। तुम्हें उससे प्रॉब्लम है? जंकुक मेरी बात सुनिए, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? आप मुझे बताइए ना, क्या मैं आपके बीवी को इस दुनिया में नहीं ला सकती, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो? बताइए मुझे, क्या वो प्यार झूठा था? हाँ सब वो झूठा था, वो सब कुछ झूठा था। अब मेरा दिमाग खाना बंद करो और मुझे सोने दो। नहीं जंकुक, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ जब मन चाहा प्यार किया, जब मन चाहा नफरत कर लिया, ऐसा क्या होता है? सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है जंकुक, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया, जो एक नंबर का घटिया इंसान है। जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं यहाँ पर तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, समझ गई तुम? और ये मत बोलो कि ये घर मेरा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक मिनट के अंदर इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूँगा। तो रुके क्यों हो? तो तुम्हें किसने रोका हुआ है, करो ना। वैसे भी एक साल पहले तुमने ऐसे ही किया था मेरे साथ, और उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। हाँ निकालूंगा ना इस घर से, क्या अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा तुम्हें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन उससे पहले तुम मेरे क्लोज तो आ जाओ। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि मेरे क्लोज आ जाओ जंकुक, आप मुझसे प्यार नहीं करते, और अब मैं आपको मुझसे और नहीं खेलने दूंगी और मेरी फीलिंग्स के साथ। ये मत बोलो कि अभी हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो मेरी बीबी और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आपको किसने हक दिया ये सब करने का? या मैंने तुमसे, वाइफ हो तुम मेरी, इतना तो हक मेरा बनता है। अच्छा बहुत जल्दी याद आ गया आपको कि मैं आपकी वाइफ हूँ और हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप किसी और लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? प्लीज़ मेरा मूड है, मेरे बने बनाए मूड को खराब मत करो, पास आ जाओ मेरे। जंकुक क्या हुआ? मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो ना, बस बोलना नहीं चाहती। मुझे पता तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो तुम्हें मुझसे दूर जाना ही पड़ेगा। कौन हो तुम? क्या पति हूँ मैं तुम्हारा? क्या तुम अपने पति को भूल गई? नहीं तुम मेरे पति नहीं हो। हाँ दूर हटो मुझसे। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? मैंने बोला दूर हटो मुझसे, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं भी देखता कि तुम मुझे कैसे रोकती हो छूने के लिए। मैंने बोला ना दूर हट जाओ मुझसे, तुम मेरे पति नहीं हो। हाँ तुम मेरे जंकुक नहीं हो, मैं अपने जंकुक के टच को पहचान सकती हूँ। तुम कोई बहरूपी हो जो मेरे पति का इस्तेमाल कर रहे हो। कहाँ है मेरा जंकुक बताओ, कहाँ है मेरा पति, कहाँ छुपा के रखा तुमने उसे? सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है तुम मेरे क्लोज नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूँ। और ये मत सोचना कि मैंने आज तुम्हें छोड़ा है तो तुम मुझसे बच गई, नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे नहीं बचोगी। इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये मेरे पति नहीं है, पर ये है कौन और जंकुक कहाँ है? मुझे उनकी चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। तुम लोगों ने इसकी अच्छे से खातिरदारी की ना? हाँ सर आपने जैसे बोला था हमने वैसे ही किया, लेकिन ये इंसान है कि अभी तक मरने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन हो तुम और क्यों मुझे ऐसे बांध कर रखा हुआ है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनो इसकी आंखों के ऊपर से पट्टी हटाओ। हाँ तो आप बोलो, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हो, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? बताऊँगा सब बताऊँगा, फिलहाल के लिए इतना जान लो कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। वैसे क्या जमाना आ गया ना, एक भाई ही अपने भाई की जान के पीछे पड़ा हुआ है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीबी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, और तेरी बीबी को उसके पति का प्यार भी। बकवास बंद कर और मेरी तेह के बारे में ना सोचना भी मत, मेरी तेह से दूर रहना। फिलहाल तो मैं तेरी बीबी को डाइवोर्स दूंगा, जॉन जंकुक अपनी बीबी को डाइवोर्स देगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? आज के लिए इतना बहुत है, फिक्र मत करो, तुम्हारी बीबी का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरी तेह को अगर तूने छुआ भी ना तो मैं तेरी जान ले लूँगा। मुझे नहीं पता कि तू कौन है और तू ऐसा क्यों कर रहा है,
और मैं कह रहा हूँ मेरी फैमिली से और मेरी बीबी से दूर रहना। हाँ हाँ तूने बोल दिया और मैं डर गया। इसका अच्छे से ध्यान रखना कि ये यहाँ से भागे ना पाए, और हाँ इसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करना जब तक ये मर ना जाए, क्योंकि मैं एक ही बार में इसे मारना नहीं चाहता, मैं इसे तड़फा तड़फा कर मारना चाहता हूँ। ओके बॉस, इसका मतलब कि ये मेरे घर में मेरे नाम से रह रहा है। मुझे मेरी ते की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं है ते के साथ क्या करेगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ते, आई नो तुम अभी बहुत बुरे टाइम से गुजर रही हो, पर आई प्रॉमिस मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। और हाँ ते, आई रियली लव यू। वैसे एक बार बात और कहनी थी तुझसे, तू मेरा भाई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुझसे इतनी बड़ी बात ना छुपाऊँ। क्या तुम मेरे भाई हो? हाँ, वो मैटर नहीं करता। वैसे तेरी बीबी प्रेग्नेंट है। अब ये मत सोचना कि डॉक्टर ने क्या बोला था, वो सब मेरे कहने पर डॉक्टर ने झूठ कहा था, क्योंकि वो जाल मैंने ही बिछाया था। अब मैं तेरी बीबी को खाने में मेडिसिन दे रहा हूँ जिसकी वजह से तेरा बच्चा उसके पेट में मर जाएगा। कमीने, मेरे बच्चे या मेरी बीबी को कुछ हुआ ना तो कह रहा हूँ मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। तू क्या ख़त्म करेगा? तेरे हाथ पाँव सब कुछ तो बंधा हुआ है, तो पहले यहाँ से निकल के तो दिखा। वेला मैं चाहता हूँ तेरी बीबी के साथ मुझे इस भाग रात भी तो बनानी है। तेरी जुबान मैं काट दूंगा अगर मेरी बीबी की तरफ देखा भी तो। तू ये क्यों कर रहा? अगर तुझे मुझसे कोई बदला चाहिए तो मुझे ख़त्म कर दे, लेकिन मेरी फैमिली से दूर रह। बहुत अच्छा लग रहा तुझे ऐसे तड़पता हुआ देखकर।